तो वेलकम गाइस, हैप्पीनेस स्टार्ट्स हियर हमारी टैगलाइन है इस ऑर्गेनॉन को पढ़ने के लिए। तो चलो अब मैं आपको दूसरा एफोरिज्म समझा देती हूँ। देखो दूसरा एफोरिज्म है, सॉरी मेरी बुक तो फट चुकी है बट इट्स ओके। द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर जो होता है रैपिड जेंटल परमानेंट होता है, और रिमूवल और एनिहिलेशन करना पड़ता है, हेल्थ को रिस्टोर करना है, और शॉर्टेस्ट और हार्मलेस वे में है, और इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब अंडरस्टैंडेबल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कोई फालतू के प्रिंसिपल्स नहीं होने चाहिए। ओके तो चलो अब मैं तुम्हें समझाती हूँ अच्छे तरीके से। मान लो तुम्हारा एक दोस्त है जिसका नाम है राजू, ठीक है, जो अपनी पुरानी साइकिल को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। साइकिल की चेन बार बार उतर जाती है, ठीक है, ये उसकी साइकिल है और साइकिल की चेन का क्या होता है, बार बार उतर जाती है, और राजू ना परेशान हो गया है। अब राजू के पास ना दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। अब ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, राजू अपने टूल बॉक्स में से सब कुछ निकाल के टूल्स का माउंटेन बना लेता है, टूल्स का माउंटेन बनाकर और हर चीज़ को टाइट और ऑयल करने लगे, सोच करके शायद कहीं कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन राजू ने गलती से स्क्रू ड्राइवर से सीट को एडजस्ट कर दिया, हैंडल बार को रॉन्ग डायरेक्शन में मोड़ दिया, और ब्रेक को इतना लूज कर दिया कि वो काम की ही नहीं रही। अब रिजल्ट क्या होगा, साइकिल तो और भी ख़राब हो गई ना। अब ऑप्शन 2, राजू सोचता है यार मुझे बस चेन ठीक करनी है, इसलिए मैं सिर्फ चेन पे फोकस करूंगा। राजू चेन को जेंटली और केयरफुली वापस लगाता है, थोड़ा सा ऑयल डालता है, और बस साइकिल एकदम ठीक हो जाती है, और राजू फिर से अपने दोस्तों के साथ मज़ेदार साइकिल राइड पर निकल जाता है। होम्योपैथी जो है वो राजू के सेकंड अप्रोच की तरह है। हमारा आइडियल है पेशेंट को बिना अननेसेसरी छेड़छाड़ के, बिना साइड इफ़ेक्ट्स के, और सबसे ज़रूरी बात तेज़ी और परमानेंटली क्योर करना है, ठीक है। मतलब अगर साइकिल की चेन उतर गई है तो चेन ठीक करो, सीट और हैंडल को बार बार अननेसेसरी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी में हमारी दवाइयाँ एकदम जेंटल होती हैं, ठीक है, जैसे एक प्यार भरा नज जो तुम्हारे बॉडी को उसकी नेचुरल हीलिंग पावर के थ्रू गाइड करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम तुम्हें ठीक करें और साइड में और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें। जैसे किसी मैकेनिक ने तुम्हारी कार के इंजन का प्रॉब्लम ठीक कर दिया लेकिन एग्जॉस्ट में बॉम्ब लगा दिया। हम सिंपल और आसान प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। पेशेंट का पेन समझो, उसके सिम्टम्स का रीज़न ढूंढो, और उसके बॉडी को सपोर्ट करते हुए उससे क्योर करो ताकि बीमारी जल्दी से पूरी तरह से और बिना किसी साइड इफेक्ट के निकल जाए। सो अगर राजू साइकिल ठीक कर सकता है तो हम भी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, बस जेंटली और स्मार्टली।